गुड इवनिंग एम आई ऑडिबल? आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट अगेन. आज पता नहीं है, आज यूट्यूब ने लेट करवाया मुझे, लाइव ही नहीं दिखा रहा था इतनी देर से. तो कैसे हो सब? द हिंदू का एनालिसिस करेंगे. 6 o'clock होता है नॉर्मली, आज दोबारा से लेट हो गए. बहुत दिन से हम लेट वाली गाड़ी पकड़े हुए हैं. कल से टाइम पे होगा, ठीक है, 6 PM पे होता है. तो द हिंदू का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल हूँ मैं, एक मिनट को मुझे चेक करने दो. ठीक है, ऑडिबल है, ऑडिबल है. चलो 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 स्टार्ट करें. चलो स्टार्ट करते हैं. कैसे हो सब? बढ़िया. अब यहाँ से चलते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो कहते हैं EPFO. EPFO क्या है? Employees Provident Fund Organization. तो ये फंड वो फंड इकट्ठा करता है जो रिटायरमेंट से रिलेटेड होता है, रिटायरमेंट के बाद जो काम आता है. तो EPF में कहा कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू बी 81.15, ठीक है ना. EPFO इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना कर दिया? 8.51, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे लिए EPFO की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बार बताई है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी. कितना हो गया? इतना 8.5% इंटरेस्ट देंगे डिपॉजिट्स पे, ठीक है, मतलब पैसा ही पैसा, ठीक है. मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिजेक्टेड ऑल इंटरिम एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय AIADMK, ठीक है. ये पार्टी है कहाँ की? मद्रास, मतलब तमिलनाडु की, ठीक है. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि एप्लीकेशंस आई हुई थी. तो ये पार्टी AIADMK ने कोई चेंजेस लेकर आए, रेजोल्यूशन लेकर आए इंटरनल पार्टी के, ठीक है. वो चैलेंज हो गए कि भाई ऐसा नहीं चलेगा. मद्रास हाईकोर्ट ने सारे रिजेक्ट कर दिए एप्लीकेशंस. वो रेजोल्यूशन मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके अंदर जो पार्टी लेकर आई, ठीक है. इस पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज कर दिया कुछ मेंबर्स ने, ठीक है. मद्रास हाईकोर्ट ने सब कुछ जो एप्लीकेशंस थी उसको चैलेंज करते हुए उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. रेगुलेशंस को नहीं रिजेक्ट किया, मतलब रेगुलेशंस एक्सेप्ट कर लिया और एप्लीकेशंस जो उसको चैलेंज कर रही थी रूल्स को उनको रिजेक्ट कर दिया. एक्सपेल लीडर्स, सो एंड सो, इतने सारे लीडर्स एक्सपेल, एंड टू रिस्ट्रेन द पार्टी फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग इट्स 11 जुलाई 2022, मतलब कहीं उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी हुई थी कि वो जो रेजोल्यूशन है उसको ना अप्लाई कर पाए. फॉलोइंग द कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन, ठीक है, लिख सकते हो आप अपने वोकैबुलरी लिस्ट में. द AIADMK अनाउंस दैट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एडापल्ली के पलानी स्वामी हैड बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द जनरल सेक्रेटरी. जस्टिस के कुमारेश बाबू हेल्ड द जुलाई 11 रेजोल्यूशंस वर प्राइमे फेसी वैलिड. तो अब हमें इसके अंदर नहीं घुसना है, ठीक है. हमें घुसना है कि कौन सी पार्टी थी, ठीक है. एक तो ये पार्टी कौन सी थी? AIADMK, ठीक है जी. AIADMK मतलब चेंजेस इन रूल्स, ठीक है. क्या हुआ? एक मिनट, ये हमें ब्लैक से लिखना था, चेंजेस इन रूल्स नंबर वन, ठीक है. अब ये क्या हुआ? चैलेंज्ड इन मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है. रूल्स अपहेल्ड का मतलब क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है, ठीक है. रूल्स अपहेल्ड हो गए तो कौन बन गया वहाँ का पार्टी का जनरल सेक्रेटरी? जनरल सेक्रेटरी कौन बन गया? जनरल सेक्रेटरी. ये बहुत देर से पेंडिंग केस था, ठीक है. फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पहले फॉर्मर का मतलब होता है पहले रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर, कौन? इडापड़ी, यार मुझे आज दिख नहीं रहा है क्या, के पालानी स्वामी. आज पता है क्या हुआ? आज हमने खाई है पूरियां और आज हमें आ रही है नींद, तो हम नींद को भगाएंगे बातें कर करके, ठीक है. बढ़िया बातें करेंगे आपस में और नींद को हवा हवाई कर देंगे, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. तो यहाँ पर ये बन गए AIADMK के जनरल सेक्रेटरी, ठीक है. नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? लॉन्च्ड अ स्कैटिंग अटैक अगेंस्ट व्हाट ही टर्म्ड कॉन्स्पिरेसीज बाय फोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री टू अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस दैट वर क्रैकिंग डाउन ऑन करप्शन एंड द करप्ट.
वो क्या कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस करप्ट लोगों को और जो करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट्स को ना केवल जो इंडिया में लोग हैं या इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको चैलेंज कर रही हैं, बट ऑल्सो जो बाहर की कंट्रीज हैं वो भी चैलेंज कर रही हैं. क्यों? क्योंकि वो करप्ट लोगों को पकड़ रही हैं. ये किससे बोला? पीएम ने. इसमें से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए. सावरकर रो. तो यार सावरकर जो है फ्रीडम फाइटर है, बहुत लोग इनको फ्रीडम फाइटर नहीं मानते हैं, ठीक है, बट हम इनके बारे में जो लिखेंगे वो लिखेंगे बिकॉज जो हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए, ठीक है ना. हम यहाँ पे ये डिबेट नहीं करेंगे कि है नहीं है, ठीक है. हमें सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं, सिंपल सी बात. एक मिनट रुको, मेरे को ये खोलने दो, तुम्हारी चार्ट्स नहीं दिख रही मुझे. ठीक है. लाइफ के बीच में दो दो एड ब्रेक आ जाती हैं. देखो यार मैंने वो एड ब्रेक नहीं चलाई है, ठीक है, वो यूट्यूब ही चला रहा है. चलो वैसे तुम लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सब चीज़ें फ्री भी चाहिए, ठीक है. यूट्यूब एड चला रहा है वो भी नहीं चाहिए, मतलब एक कंपनी चलेगी कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे चलाऊँ सच में. विनायक दामोदर सावरकर ये इनका नाम है, ठीक है. तो ये कहा जाता है कि हिंदू महासभा, ग्रेट सोसाइटी ऑफ हिंदू और हिंदुत्व के लिए इन्होंने बहुत वो किया, ठीक है ना. तो इनको इंडियन नेशनलिस्ट कह लीजिए, फ्रीडम फाइटर कह लीजिए, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है ना. विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इनको हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को आगे लेके गए हिंदू, ठीक है ना. और किसका? हिंदू महासभा के पार्ट थे, हिंदू महासभा के पार्ट थे. हिंदू महासभा क्या है? सोसाइटी ऑफ हिंदू, ठीक है, ग्रेट सोसाइटी ऑफ हिंदू. हाँ यार तुम ही बताओ, ऐड भी नहीं चाहिए, फ्री में भी चाहिए, तो चलेगा कैसे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ. कभी कभी सोच सोच के मैं पागल हो जाती हूँ, इस बारे में मैं सोचती नहीं हूँ. मतलब सीरियसली नहीं कर सकते सब कुछ फ्री के अंदर. जो कर रहे हैं वो अगर यूट्यूब थोड़ा बहुत दे रहा है एड्स देकर, तो वो तुम्हें एक्सेप्टेबल होना चाहिए. यू शुड नॉट क्वेश्चन दैट. मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं दीदी जब आपके चैनल पर ऐड आती है हम उसको स्किप नहीं करते कि आपको जो पैसा है वो बने, ठीक है. कभी सोचो इस बारे में भी. हिंदू नेशनलिस्ट थे, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया आपको. आगे चलेंगे. नो डिमोलिशन, नो डिमोलिशन ऑफ, अब ये क्या कह रहे हैं, हाँ शेल्टर्स, ठीक है. डिमोलिशन कर रहे होंगे शेल्टर्स को, ख़त्म कर रहे शेल्टर्स को. वो कहते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे. जो होमलेस लोग हैं वो कहते हैं स्पेशली ये जो शेल्टर्स बने हुए हैं ये उन लोगों के लिए हैं, स्पेशल शेल्टर्स हैं जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए. तो दिल्ली हाईकोर्ट कहता है नहीं, इनको नहीं मतलब रिमूव करना, ठीक है. चलो आगे चलो. नहीं यार मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है. अगर ये बात हो रही है मेरी ऑडियंस के अंदर, मेजॉरिटी 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग. मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे बेचारे गूगल पे करते हैं हर महीने क्लास के कि आप करवा रहे हो ये लो, ठीक है. आपका कोई भी जो पेमेंट गेटवे है वो पैसे काट लेता है, आपके नहीं कटे, ठीक है. बाकी क्रिटिसिज्म तो होगा ही, ये मुझे पता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको अच्छा नहीं लगता जब कोई ऐसे लिखता है, ठीक है. बट आप रोक भी नहीं सकते हो क्योंकि YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी कमेंट कर सकता है. तो मुझे थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, हो रही हूँ और हो जाऊंगी थोड़े टाइम में. बाकी जो मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो कंप्लेन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए. बट हाँ, आई हैव 99% ऑफ यू अंडरस्टैंड, 1% है जो नहीं करते. और अब मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता नहीं सही है गलत है. द कर्नाटका गवर्नमेंट्स डिसीजन टू स्क्रैप द 4% कोटा ऑफ मुस्लिम्स. अब जैसे मैंने कल कहा था कि इसकी हमें आज डिटेल्स मिल जाएंगी डिटेल में, तो दो दो एडिटोरियल्स आ गए हैं, ठीक है. 4% कोटा ऑफ मुस्लिम्स था वो रिमूव कर दिया, ठीक है. बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कहती है कि भैया ये मुस्लिम रिलीजन के बेसिस पे दी हुई थी और रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते. और हमने कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज को रखा है जो बैकवर्ड थी और जो मतलब बैकवर्ड नहीं थी उनको निकाल दिया,
ठीक है, ये वाली भी हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। कई बार जो एडिटोरियल लिखता है वो वन साइडेड स्टोरी बताता है, मुझे तो मैं सारी दोनों स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, विद इन द किसमें से निकाला, डिसीजन ऑफ स्क्रैप करा 4% कोटा फॉर मुस्लिम्स विद इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी एंड ईयरमार्क एन एडिशनल 2% ईच ऑफ द डोमिनेंट वोकालीगा एंड विराज शाइवा लिंगायत कम्युनिटीज इज डिविजिबल गैम्बल इन द, चलो ठीक है, ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपने वोट बैंक के लिए किया। आगे चलते हैं, द स्क्रैपिंग ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स हुज पुअरर members will now have to compete with general category of 10% of economically weaker section quota is reminiscence, मतलब याद दिलाता है, reminiscence मतलब वो पुराने, वो होते हैं ना लोग, तुम्हें याद है तब क्या हुआ करता था। जैसे अब अभी आप तुम आजकल के, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बैठोगे ना, वो कहेंगे हम स्कूल के बाहर 2 रुपए की कैंडी खाते थे, ठीक है, और आज के दिन में 2 रुपए की क्लेयर्स भी नहीं आती है, राइट? तो तुम कहोगे बस करो यार, हमें 20 रुपए दो, कुछ तो खा ले हम, ठीक है। वो याद करना पुराना टाइम, उसको कहते हैं ये ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ 5%। वो कहते हैं ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र में 2015 में जब 5% कोटा खत्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, कर्नाटका, क्या लिखेंगे, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के अंदर 4% कोटा स्क्रैप्ड मतलब रिमूवल। अब रिमूवल लिख देते हैं इजी लैंग्वेज में ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो किसी को भी, रिमूवल ऑफ 4% कोटा फॉर मुस्लिम विद इन ओबीसी। ओबीसी पता है सबको, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और ये किसके लिए हो गया, एडिशनल ईयर मार्क्ड मतलब गिवन, ईयर मार्क्ड 2% ईच, किसको दिया, 2-2%, ठीक है। एक तो गया वोकालीगा, ठीक है, और दूसरा दिया वीरा शाइवा। अरे वाह, ये नहीं सिलेक्ट होगा, इसको देखा ना ऊपर, छोड़ो यार मैं खुद ही लिख लेती हूँ दोबारा से, वोकालीगा और वीरा शाइवा लिंगायत कम्युनिटी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के क्या बन सकता है कि भैया कौन सी स्टेट ने ये किया, कितना परसेंट ले लिया 4%, किस किस को 2% में बांट दिया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और ये हमें याद रखना है, ठीक है, रहेगा याद। अब एक और है, अब लॉ फेयर, क्या वर्ड लेकर आए, लॉ फेयर, और इसको क्या बोल रहे हैं ये, पोर्टमैंटो, ठीक है, पोर्टमैंटो, पोर्टमैंटो क्या होता है, मतलब दो वर्ड्स को मिलाकर कुछ बनाना, ठीक है ना, उसको कहते हैं पोर्टमैंटो। कहाँ गया पोर्टमैंटो, इसका मीनिंग नहीं लिखा मैंने, ऐसा कैसा हो सकता है, हाँ इसका मीनिंग यही है, मैंने चेक किया था, मैं भी कॉपी करना भूल गई, इसका मतलब यही होता है कि आप टू वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लॉ फेयर, लॉ फेयर को क्या कह रहे हैं, ये रेफर्स टू वेपनाइजिंग ऑफ लॉ, कौन से वर्ड में से बना है, लॉ और वॉरफेयर के अंदर से, वेपनाइज लॉ को यूज करना किसी के अगेंस्ट, ठीक है ना, स्पेशली वो कहते हैं इंटिमिडेट हार्म एंड डीलेजिटिमेटाइज, ठीक है ना, मतलब फ्राइटन स्पेशली इन ऑर्डर टू मेक देम डू वॉट वन वॉन्ट्स। अब ये वो कैब वर्ड्स हैं, पहले ये लिख लेते हैं फिर थोड़ा बताएंगे, पहले वो कैब वर्ड्स लिखते हैं फटाफट से, इंटिमिडेट, ठीक है। अब इसमें नाइस एडिटोरियल तो ठीक है, बट हमें करंट अफेयर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, फ्राइटन समवन in order to make them do what one wants, ठीक है जी। अब दूसरा intimidate, reminiscent, ऐसा word ये तो बहुत ही आता है तुम्हारे, tending or remind, tending to remind one of something, ठीक है, tending to remind one of something, yes। अगर repeated editorial है, नहीं उसमें वैसे भी कुछ नहीं है, उसमें information current affairs related कुछ नहीं है, तो फिर मैं आपको ऐसे पढ़ा दूँ, repetition भी नहीं है उसमें, ठीक है। इसके अंदर वो opinion दे रहे हैं अपनी, और हमें opinion से कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये भी दो vocab words थे बढ़िया बढ़िया, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। चलिए आगे चलते हैं,
व्हेन बेंजामिन नेतन्याहू, ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे नोट्स में ये नहीं एडेड है, तो इसको ऐड भी कर लो और याद भी कर लो। अब ये क्यों इतने ज्यादा न्यूज में, क्यों इतनी तरक्की कर रहा है ये जिंदगी में? ये अपनी जिंदगी में इसलिए इतनी तरक्की कर रहा है बिकॉज ये लॉ चेंज कर रहा है। कहाँ के? इजराइल के। क्या लॉ चेंज कर रहा है? वन ऑफ द मेजर लॉज जो इसने अभी तक चेंज किए हैं वो ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा उसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट को अगर लगे कि यार सुप्रीम कोर्ट इतनी अकलमंदी की बात नहीं कर रहा है तो ज्ञान कौन दे सकता है? गवर्नमेंट, ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है ये? इजराइल में हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके जो मिनिस्टर थे उसने बोला कि भैया तुम सही नहीं कर रहे हो, इसने उसको लात मार दी। डिफेंस मिनिस्टर कौन? योव गैलेंट। योव गैलेंट को क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि इसने बोला कि तुम यार सही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, मुझे लगता है तुम सही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसका डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल हु गॉट किक्ड आउट कौन है? योव गैलेंट, ठीक है। चलो गैलेंट हो गया, इसका तो टैलेंट खत्म कर दिया। चलो आगे चलें। अब यहाँ पे इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी सेट टू रीच अ वूपिंग $1 trillion बाय 2026। पीपल आर गोइंग डिजिटल रैपिडली फॉर एवरीथिंग फ्रॉम शॉपिंग एंड सोशलाइजिंग। हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी? $1 trillion बाय 2026, ठीक है ना। पीपल आर गोइंग डिजिटल रैपिडली फॉर एवरीथिंग फ्रॉम शॉपिंग एंड सोशलाइजिंग टू एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, बट एज वी एम्ब्रेस कन्वीनियंस वी आर ऑल्सो जनरेटिंग मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा। वो कहता है कि भैया कि जैसा तुम, ठीक है ना, दादागिरी, ये किसने लिखा है? तो जोक तो हर रोज में लगा तुम्हें यहाँ पे भाईगिरी आर्यन। चलो यहाँ पर क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, वो कहते डिजिटल इकोनॉमी मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स और ये सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इंडिया के अंदर ये चीज़ें, बट उससे क्या हो रहा है, पर्सनल डाटा जनरेट हो रहा है। पर्सनल डाटा क्या? तुम्हारा नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, तुम्हारी फोटो, ठीक है ना, ये सब। अब कहीं पे भी तुम्हें जाना है, सबसे पहले वो यही पूछता है, अपना नाम, एड्रेस, मतलब ईमेल आईडी, फोन, ये दे दो, है ना। तो वो कहते हैं कि पर्सनल डाटा की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए क्योंकि इसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे हर रोज मुझे दिन में 10 बार फोन आता है कि भैया हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कई बार तो इतना डरा देते हैं भाई, गॉड, ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा बीमार कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। टचवुड, आई एम ऑल गुड, ये तो गैस का प्रॉब्लम भी सही हो गया, मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया रात को, ठीक है। बट कहाँ से उनको डाटा मिलता है? कहीं पे जहाँ पे मैंने रजिस्टर किया वहाँ से वो डाटा उठा रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, तो मतलब मेरा पर्सनल डाटा लीक हो रहा है कहीं से, बट ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या आ रहा है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। बिल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल, ठीक है ना। प्रपोजल मतलब जैसे तुम लड़कियों को प्रपोज करने जाते हो, वो कहते हैं हमें 10 दिन चाहिए सोचने के लिए, ऐसे नहीं हम एक्सेप्ट करते, वैसे ही गवर्नमेंट भी डिस्कस करती है बिल को, प्रपोजल को, और फिर वो लॉ बनता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर कि जो हमारा पर्सनल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। इंश्योरेंस वाले बहुत तंग करते हैं, सच में बहुत तंग करते हैं भाई, गॉड, कभी कभी तो बंदा गीले पोचे से होकर जाता है अपना फोन उठाने, स्लिप होते होते बचता है और ये लोग कहते हैं आपको पता है, मतलब हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है, तुम हमारा दिमाग खाना बंद कर दो, सच में गुस्सा आ जाता है कभी कभी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लिखा तो हुआ है यहाँ पे, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन दोबारा क्यों लिखना है, अरे यार हाईलाइटर उठाना था, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। ये बिल आ रहा है, ये अभी क्या है, बिल है। बिल का मतलब क्या होता है, प्रपोजल, ठीक है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डाटा समझ में आ गया। द यूरोपियन यूनियन जनरल डाटा प्रोटेक्शन, ईयू का कौन सा बिल है, इनका बिल बन गया, इनका पक्का हो गया, ठीक है, उन्हें डिस्कस करके पहले ही कर दिया, ठीक है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अरे डाटा लिखा हमने, ये छोटा नहीं लग रहा, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR, रेगुलेशन तुम पूरा लिखना, GDPR, ठीक है। चलो ये EU वालों का डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ठीक है, इनका पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट करते हैं ये अपना। अब चलेंगे आगे, यहाँ पे अब बात करते हैं स्ट्रे डॉग की, ठीक है। तो मेनका गांधी जी कहते हैं कि कुत्ते हमारे बहुत ही बड़े दोस्त हैं, पर जब तक ना काटे तब तक, ठीक है। तो स्ट्रे डॉग्स कौन से होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है। अब ये बता रही है कि कैसे इनको सॉल्व करना है हमने। For about 25,000 years, we have coexisted with dogs. Dogs protect us and give us emotional support and companionship. They are loyal, friendly and intelligent. ये सब सही है, पर मेनका गांधी जी, जब एक कुत्ता काट लेता है तब क्या करें? प्रॉब्लम ये है,
जब किसी की टांग पकड़ लेता है तो सब फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है, मानते हो या नहीं मानते हो। द लंडन प्लेग, वो कहते हैं कि चलो ये वाली बात इन्होंने अगर डाटा सही है तो वो कहते हैं कि अगर आप डॉग्स को मार कर खत्म कर दोगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि जो नेचर, वो क्या कह रहे हैं, नेचर अलाउज एनिमल्स टू हैव एज मैनी ऑफ स्प्रिंग एंड एज फ्रीक्वेंटली एज देयर स्पेस इन द एनवायरमेंट, कि जितनी स्पेस है एनवायरमेंट के उसके अकॉर्डिंग ही नेचर बच्चे पैदा करने देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये कह रही है कि अगर हम कुत्तों को मार देंगे, मतलब डॉग्स को डिस्काउंट कर देंगे, तो वो कहती है लंदन में क्या हुआ था, लंदन प्लेग हुआ था कब, ऑफ 1665 वाज द रिजल्ट ऑफ किलिंग ऑफ 250,000 डॉग्स एंड कैट्स। अब लंदन वालों ने, अंग्रेज हमसे ज्यादा तेज थे, डॉग्स एंड कैट्स उन्होंने मार दिए, कितने 250,000, उससे क्या हुआ, रैट्स की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, कॉकरोचेज की बढ़ गई, ठीक है। तो वो कहती है अगर ऐसा कहते हो तो इससे अच्छा तो डॉग ही है, रैट से बहुत डर लगता है मुझे, डॉग ही तो फिर डर जाता है, रैट तो भैया बहुत तेज भाग। Indeed, the multiplication of dogs on the street must be curtailed. The animal birth control dogs rules, ABC rules of 2001 have been recommended by the World Health Organization and World Organization for Animal Health as the only way to bring out a sustainable decline in dog population, incident of rabies and aggression in dogs. However, necessary measures have not been implemented by local authorities to adequately and scientifically manage the street dog population. तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया street dogs के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं street dogs या फिर stray dogs, ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे हैं doggy तो मतलब रात को ऐसा जमावला होता है ना, तुम सैर करने नहीं जा सकते हो बिना डंडे के, नहीं तो ऐसा पीछा करते हैं तुम्हारी रनिंग 15 मिनट में भगा देंगे तुम्हें, बढ़िया 5 मिनट में आधे घंटे की सैर करा देते हैं, ऐसे डॉग भी होते हैं। चलो अब यहाँ पे कौन सा है, वो कहते हैं कि कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स। अब इससे मैं एक बात बताती हूँ, पता है कहीं पे दिल्ली में थी मैं, वहां पे डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए पकड़ने वाले आते हैं ना, तो इनको पता चल जाता है, अरे भाई उस दिन सभी कुत्ते ऐसे छुप रहे थे जैसे हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे ना, सब छुप गए और जब तक वो गाड़ी गई नहीं तब तक एक भी भौंका नहीं, और जैसे ही वो गए ऐसी पार्टी करी सबने। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स हैं, ठीक है, और ये इनको क्या बोलते हैं, एबीसी रूल्स। मैंने अभी तक एबीसी जूस के बारे में सुना था, अब ये एबीसी रूल्स भी आ गए। ये 2001 में आए, कौन लेके आया इसको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, ये लेके आए। वो कह रही है कि देखो जो तुम्हारी लोकल म्यूनसिपैलिटीज हैं वो ढंग से ये लगा नहीं रही हैं, ठीक है, तो तुम उनको बोलना कि भैया एबीसी रूल्स लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो ये ना कि एप्पल, यार एबीसी जूस होता कौन सा मुझे याद नहीं है, एप्पल होता होगा, बीटरूट होता है शायद, हाँ, और कुकम्बर। रादर देन सीकिंग द रिमूवल ऑफ डॉग द रिस्पॉन्सिबल, वो कहती कि तुम अडॉप्ट भी कर सकते हो डॉगी को, ठीक है, और ये क्या न्यू एबीसी रूल्स आए, ठीक है, एबीसी प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूट वुड बी फॉर सर्टेन डिमांड। अच्छा, वो कहती है अपनी म्यूनसिपल बॉडीज को करो, ठीक है। वो कहती है कि जो अब ब्रीडिंग की बात करें, ब्रीडिंग मतलब कैनल्स होते हैं जहाँ पे डॉग्स होते हैं, कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि मुझे तो भैया पग ही चाहिए, ठीक है, ये वो फेमस हुआ था हच वाला कुत्ता, तो हच वाले कुत्ते के नाम से वो फेमस हो गया, ठीक है, मतलब हच, वोडाफोन पहले हच होता था और उन्होंने ये चलाया, मतलब एड स्टार्ट करी और फिर वो फेमस हो गया, तो सबको पग चाहिए था, पहले पग को कोई लेकर राजी नहीं था। तो वो कहती पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉग की डिमांड जो है वो सही नहीं है, एक तो फॉरेन जो डॉग्स हैं, फॉरेन के डॉग्स हैं उनकी डिमांड सही नहीं है, और एक उन्होंने कहा कि प्योर ब्रीड, कि हमें तो पिटबुल ही चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो खुद को ही मार खाए बट चाहिए पिटबुल ही। वो कहते ये सब जो है ये गलत है। कैरेट, अच्छा मुझे लगा कुकम्बर, थैंक्स सही करने के लिए, ठीक है। चलो तो ये कह रहे हैं कि ये जो है पेडिग्री डॉग्स जो हैं वो इंडिया में बैन करे हुए हैं, बट फिर भी पेडिग्री होते हैं जो प्योर ब्रेड होते हैं, ठीक है, प्योर ब्रेड मतलब प्योर ब्रीड, कि पिटबुल है तो भाई पिटबुल ही है, ठीक है ना। इन 2017 इट नोटिफाइड रूल्स फॉर स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग डॉग ब्रीड्स इन 2018, ठीक है। इन 2016 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ पेडिग्री डॉग्स इन टू इंडिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2016 में पेडिग्री डॉग्स, पेडिग्री वो कुत्ते वाला खाना नहीं बैन किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ पेडिग्री
डॉग्स इनटू इंडिया. अरे भाई बुरा मत मानना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, उनको ये पेडिग्री वाले पसंद आते हैं. पेडिग्री मतलब प्योर ब्रेड, प्योर मतलब जिनकी ब्रीड प्योर होती है, ठीक है ना, कि वो कहती है इंडियन डॉग्स तुम रखने स्टार्ट कर दो. ठीक है, वो तो नहीं रखने, वो तो गली का कुत्ता लगता है, हम नहीं रखेंगे, हमें रखना है जो अलग ही शक्ल का हो. ठीक है, डॉगो अर्जेंटिनो पिटबुल भाई बहुत खूंखार कुत्ता होता है, उसको देख के वैसे ही डर लग जाता है, सच बता रही हूँ मैं. द कैबिनेट, एट द कैबिनेट मीटिंग ऑन कर्नाटका, इन कर्नाटका ऑन फ्राइडे, बीजेपी. अब ये दोबारा रिपीट मारे, मैंने तुम्हें बोला था ना कल ऐसा ढेर लग जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तुम टेंशन मत लो. पर कल एक अच्छा एक आधा बच्चा टेंशन ले रहा था. अब वो कहते हैं एजे सदाशिवा कमीशन रिपोर्ट ऑफ 2012 एंड रिजर्वेशन ऑफ, कि हमें कर्नाटका की बेसिकली इंटरनल उसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, ठीक है ना, इतना ही नोट करते हैं, अगर ज्यादा डिस्कस होता है फिर नोट करेंगे. ठीक है, सॉरी फॉर द बर्फ. मिस्टर शुक्र क्लेम टू हैव गॉट द, तुम अब ये सुन लो क्या हुआ. तो मुस्लिम फैमिली है, ठीक है, उनकी शादी हुई 30 साल पहले, ठीक है, बढ़िया रह रहे हैं, उनकी दो डॉटर्स हुई. अब वो अपनी जो शादी है, जो मुस्लिम कपल है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर करा रहे हैं. अब तुमको भी भाई क्या अनपढ़ी, क्यों रजिस्टर करवा रहे हो स्पेशल मैरिज एक्ट में, ऐसा क्या करना है. तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मिस्टर शुक्र, ठीक है, वैसे ऐसे पेरेंट्स की मतलब ये है चेंज, ठीक है ना, कम्युनिटी में, हर कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और जो लोग चेंज लेकर आते हैं हर कम्युनिटी के, उनको हमको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश भारत जो है वो आगे जाता है. तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर शुक्र क्लेम टू हैव गॉट द मैरिज रजिस्टर अंडर SMA, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है, सो दैट प्रिंसिपल्स ऑफ द सेकुलर एक्ट कुड अप्लाई टू मैटर. सेकुलर मतलब जो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग. देखो एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है, हमारी शादी, ठीक है, हमारी जितनी भी, हमारा डाइवोर्स किस हिसाब से होता है, कि भैया तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, और उसको क्या कहते हैं, पर्सनल लॉज. ठीक है, अगर तुम मुस्लिम हो तो अलग है, तुम हिंदू हो तो अलग है, तुम क्रिश्चियन हो तो अलग है, ठीक है ना. बट स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो सेकुलर है, वो ये नहीं देखता तुम कौन से रिलीजन के हो, वो बस ये देखता है कि तुमने रजिस्टर करवाया स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो तुम्हें वो लॉ एप्लीकेबल होगा. तो उसके अंदर इनहेरिटेंस के लॉज उनको एप्लीकेबल हो जाए, क्यों, क्योंकि उनके पास डॉटर्स हैं. इनेबल हिज डॉटर्स टू इनहेरिट द कपल्स प्रॉपर्टी अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925. ठीक है, दिस कपल हैज 3 daughters एंड नो sons. ठीक है, द डिसीजन हैज, अब वो कहते हैं कि मुस्लिम्स के अंदर अगर डॉटर्स ही हैं, सन नहीं है, ठीक है, तो डॉटर को जो हिस्सा जाता है वो बहुत कम जाता है. ठीक है, when a couple has only a daughter or daughters, the daughters can inherit only 2/3 of father's property as the holy book says. ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं लेकर जा सकती. तो उनके फादर ने क्या किया, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करवा ली. ठीक है, तो ये लिखेंगे, ठीक है, मुस्लिम कपल रजिस्टर्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. ठीक है ना, क्यों भाई, सो दैट इनहेरिटेंस, कौन सा, इंडियन सक्सेशन, सो दैट इंडियन सक्सेशन एक्ट 1927 can govern the property. ठीक है, the couple has only daughters and no son. ठीक है, अब इसके अंदर normally क्या होता है, normally under Muslim law, हाँ तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी. अगर सारे ही ऐसा करने लग जाएंगे तो एक दिन डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी. जिसने ये, देखो हर चीज का सोल्यूशन होता है, इन्होंने निकालना ना, डॉटर्स कैन इनहेरिट ओनली 2/3 ऑफ प्रॉपर्टी, बाकी किसको जाएगी, रिश्तेदारों को. क्यों जाए जब उनकी बेटियां जिंदा हैं, क्यों जाए, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, मैंने 1927 नहीं लिखा, 1925-7 लिख दिया मैंने, 1925 तो लिखा है,
किसने बोला ये? कनिष्का बेटा क्यों? चलो आगे चले। यूपीआई पेमेंट्स टू ओवर, अब देखो ये कौन बोल रहा था कि एड्स आ रही हैं। अब ये जो 2000 के ऊपर की पेमेंट्स है ये हमें ऑनलाइन वालों को 1.1% फी लगेगी, सबको ही लगेगी, तो ये भी हमें दे, मतलब ये हमारे उसमें खर्चे में बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये लिखो यूपीआई पेमेंट्स किसने करा, नेशनल 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 पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हैंडल करती है यूपीआई को, ठीक है ना। एनपीसीआई कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से हम ये चेप लेते हैं, यूपीआई पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स ऑफ ओवर रुपीस 2000 में अट्रैक्ट अप टू 1.1% फी। अब यार ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि कौन करेगा ये सारा, कौन हैंडल करेगा, क्यों हमें हर चीज फ्री चाहिए, कभी सोचा है? ऐसे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। वी ऑल हैव टू, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, और जो सर्विसेज हम अवेल करें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये भी तो अपना पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। अब ये फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब 2 दिन के बाद, अगर किसी को भेजना है तुमने 2000 तो भेज दो। अच्छा दे दी अश्योरेंस, हो थैंक यू मयंक, खुशी हो गई मेरे को, नहीं तो मुझे लगा कि भाई देखो अब तो हम दब जाएंगे। चलो कल आने तो फिर रिमूव कर देंगे। एमपी एमएलए कोर्ट इन प्रयागराज सेंटेंस क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन आतिक आतिक अहमद एंड टू अदर्स इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया। 2006 में किडनैपिंग करी थी लॉयर उमेश पाल की, ठीक है ना। तो बुरी बात है, तुम ऐसे पॉलिटिशियन टर्न्ड क्रिमिनल टर्न्ड पॉलिटिशियन, अरे यार, ठीक है, मतलब आतिक अहमद क्या क्या था इन्होंने, किडनैप्ड, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्यों किडनैप्ड लॉयर, वकील को कभी मत किडनैप करना। सच में अगर वकील अपने केस के पीछे पड़ जाए ना, बाट लगा देता है वो। चलो आगे चले, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है। चलो आगे चले। मोर देन 500 एप्स ब्लॉक एन एडवाइस ऑफ साइबर क्राइम सेंटर सेज होम मिनिस्टर, ठीक है। चलो आगे चले, मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ, मैं और कहीं से न्यूज़ ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम, मतलब कि न्यूज़ थोड़ी कम ही होती है। न्यू यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन ट्यूजडे दैट मोर देन 500 इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन हैव बीन ब्लॉक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ठीक है जी। आगे अब यहाँ पे रिव्यूइंग द फंक्शनिंग ऑफ I4C अलॉन्ग विद यूनियन होम मिनिस्टर सेड द सेंटर हैज प्रिपेयर्ड एन एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ द टॉप 50 साइबर अटैक्स इन द गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड इन कमिंग डेज नियरली 70% ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट इंक्लूड्स प्रिजंस एंड कोर्ट विल बी ऑनलाइन ही एडेड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। मोर देन 20 लाख साइबर क्राइम कंप्लेंट्स हैव been registered on the portal cybercrime.gov.in on the basis of which more than 40,000 FIRs have been registered, he said, adding that 13 crore hits were registered on this portal since it was launched in January 2020. अब साइबर क्राइम से, साइबर क्राइम क्या होता है, जो ये ऑनलाइन क्राइम होता है, ठीक है। क्या होता है, कई बार व्हाट्सएप पे कॉल आएगा, ठीक है, हेलो आप कौन बोल रहे हो, मेरा मन करता है बोलूँ मैं बहुआ बोल रहा हूँ, बोल क्या चाहिए। सच में मतलब ये सब फ्रॉड वाले कॉल्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी तो मेरे को, मतलब जो नॉन लोग होते हैं ना बाहर वाले, उनको भी गालियां पड़ जाती हैं कि भाई कौन है, क्या चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्राइम वाले होते हैं वो, ठीक है, मतलब उनको चाहिए होता है पैसा कि ये दे दो वो दे दो। और अगर मेरी मम्मी को फोन आ जाए, वो फोन को लेके घूम रही होती है कि जैसे फोन में से इंसान बाहर आ जाएगा और उनको पकड़ लेगा, पर अब उनको एक्सपीरियंस हो गया है तो अब वो डरती नहीं है। पहले वो डरती थी, अरे बेटा अब क्या होगा, उनको लगता है कि उनके अकाउंट में जितना है और फोन में जो कुछ है वो इंसान निकाल के ले जाएगा, वो अलग डरी हुई है क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ती हैं गॉसिप वाला, तो बस उनको ऐसे डर लगता है कि अब ये इंसान निकलेगा और मेरे फोन में से सब ले जाएगा। द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड कंप्लेंट्स इमीडिएटली कॉल्स ऑन द टोल फ्री नंबर 1930, इतना पुराना साल 1930 कॉल करो
और जो भी है वो कहते हैं कि मतलब पैसे अगर कोई काट ले ऐसे तो वो रिकलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं. ये साइबर क्राइम डॉट इन कब कब हुआ लॉन्च? 2020 के अंदर, ठीक है, लॉन्च्ड इन 2020. ये पहले लिखना था, बाद में लिख दिया, इधर कर लो. अब यहाँ पे नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल सेक्सुअल ऑफेंडर्स NDSO, सर्चेबल रजिस्ट्री ऑफ कन्विक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस सच एज रेप, मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग एंड चाइल्ड अब्यूज हैज अ रिकॉर्ड ऑफ 13 लाख ऑफेंडर्स सो फार. अब क्या करें, मतलब अगर किसी को भी मतलब रेंट पे रखना है, ठीक है, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, पहले उसका डाटा चेक करो कि भैया तुम ऐसे किसी घिनौने क्राइम में तो नहीं इन्वॉल्व हो, है ना भैया, बॉयफ्रेंड वाला सही है, चेक करो तुम में से कौन कौन चेक करेगा ऐसा. नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल, उनको पता नहीं है, मैं उनको रोस्ट करती हूँ, पता चल गया ना भाई, जुत्ती मार मार के भगाएंगी मुझे सच में, बता ना दे बस उनको, कमेंट मत करना ना, गलती से कहीं पढ़ लिया तो बाय गॉड पार्ट लग जाएगी. असर्चेबल रजिस्ट्री फॉर, अब इसके अंदर क्या है, ग्रीन से लिख लेते हैं, असर्चेबल रजिस्ट्री ऑफ कन्विक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस सच एज रेप, ठीक है ना, सर्चेबल रजिस्ट्री ऑफ कन्विक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है. कन्विक्ट्स कौन होते हैं, जिनका प्रूव हो गया कि भैया इन्होंने ऑफेंस करा है, ठीक है. अब चौथा पॉइंट यहाँ से, बहुत बहुत ज़्यादा डाटा है यहाँ पे. NDO, नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑफेंस ऑफ फॉरन ओरिजिन लॉन्च इन इज अ रजिस्ट्री 2023 में लॉन्च हुई है, अ रजिस्ट्री ऑफ फॉरनर्स इन्वॉल्व इन क्राइम इन इंडिया एंड हैज डिटेल्स ऑफ कन्विक्टेड एंड अक्यूज फॉरन ऑफेंडर्स. ये जरूरी है NDOFO. मेरे घर से कोई भी, मेरे घर में कोई बाहर से अंकल आंटी आएंगे ना कैनेडा यूएसए वाले, माय गॉड, मैं उनका डाटा चेक करूंगी, क्या फायदा. घर वालों के ना बेटा नहीं, बेइज्जती नहीं करते ऐसे, क्योंकि मेहमान भगवान होता है इंडिया में. नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑफेंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये क्योंकि 2023 में लॉन्च हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2023, अब ये पूरा ही लिख लेते हैं सही ढंग से, लॉन्च्ड इन 2020. अब तुम नोट्स वाले भैया बताएं क्यों आ जाते बार बार, इनको नोट्स बनवाने अपने, पर हम बना के राजी नहीं इनके साथ. फॉरेनर्स इन्वॉल्व इन रजिस्ट्री ऑफ, रजिस्टर है जिसमें ऑफ फॉरेनर्स इन्वॉल्व इन क्राइम, ठीक है ना. अब बहुत फोन आते हैं व्हाट्सएप पे कि ऐसा हो गया है, हम वो वाले दूर के रिश्तेदार बोल रहे हैं, भाई कोई है ही नहीं हमारा रिश्तेदार उधर वाली साइड का ऐसा, ठीक है, चिल मारो. चलो चलो, इन द फर्स्ट पासिंग आउट पैरेड ऑफ अग्निवीर 2585 मेन एंड वुमेन ग्रेजुएटेड. तो अग्निवीर जो है ग्रेजुएट हो गए हैं, पहले जो इनका लॉट था, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द पोर्टल्स ऑफ इंडियन नेवल शिप INS चिल्का, ठीक है ना, सिचुएटेड एट खुर्दा अंडर द एगिस ऑफ सदरन नेवल कमांड, ठीक है ना. फर्स्ट पासिंग आउट पैरेड ऑफ अग्निवीर, फर्स्ट पासिंग आउट पैरेड ऑफ, परेड ऑफ अग्निवीर. बहुत ही अच्छा मौका है, सबको ट्राई करना चाहिए अग्निवीर के लिए, मेरे ख्याल से जब जिंदगी बदल जाएगी, डिसिप्लिन हो जाओगे सभी के सभी, ठीक है. फ्रॉम पोर्टल्स ऑफ इंडियन नेवल शिप INS चिल्का, ठीक है, सिचुएटेड एट खुर्दा अंडर सदरन नेवल कमांड. ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम द नेवी गेव द जनरल बिपिन रावत रोलिंग ट्रॉफी फॉर अ वुमेन अग्निवीर ट्रेनी स्टैंडिंग फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मैरिट, ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, रिश्तेदारों हो तो 100 रुपये भेजो फटाफट से. हाँ, किसको 100 रुपये भेजने हैं फॉर फर्स्ट टाइम? अरे बाहर वाले 100 रुपये ही देते हैं, ज्यादा देते नहीं, उनको लगता है इंडिया में अभी भी 100 रुपये की वैल्यू उतनी ही है जितनी जब वो बाहर गए, जब वो जाने वाले थे बाहर तब थी. जनरल बिपिन रावत फर्स्ट टाइम नेवी गेव, या तो मुझे बातों में मत लगाओ, नोट्स बना ले, टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिर कहोगे अरे इतनी लंबी क्लास थी दीदी, रोलिंग ट्रॉफी, ठीक है. इसकी किसको मिलती है? फॉर अ वुमेन, लड़की,
हाईलाइट कर लो, फॉर अ वुमेन अग्निवीर, और ना एक अपने नोट्स भेजने स्टार्ट करो एजुगिरी, आई एम एजुगिरी पर, देखूं तो सही क्या कर क्या रहे हो, क्या चटनी बना रहे हो नोट्स की, देखे ही नहीं इतने दिनों से, सभी भेजना अपने, ठीक है। ट्रेनिंग स्टैंडिंग फर्स्ट इन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट, वुमेन को मिलेगी, ठीक है, मैन को कहते तुम्हें नहीं मिलने वाला, जाओ, ठीक है। अब नहीं दिया मैं क्या करूँ। अब आगे चलेंगे, जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करी थी, और उसके बाद दे तेरे की इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, याद है तुम्हें, 2022 के अंदर लॉन्च इन अग्निवीर स्कीम लॉन्च्ड, ठीक है। कितने सालों के लिए रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस फॉर, बताओ कितने, फॉर डैश ईयर्स, जल्दी से बताओ कितने ईयर्स, ठीक है, फोर ईयर्स, चार साल के लिए, वह टाटा बाय बाय कह देंगे, बट इंसान बना के भेजेंगे तुम्हें, जो ये तुम सोते रहते हो, सोकर उठते नहीं हो, वहां पर पड़ेंगे डंडे, उठाएंगे, सही हो जाओगे तुम सब, मैं बता रही हूँ। अगर मेरे टाइम पे हुआ तो मैं जरूर आती, क्योंकि मुझे मजा आता है इस चीजों में। इंडिया ऑन वेडनेसडे विल होस्ट अ मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, ये कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का प्रेसिडेंट कौन है, जल्दी से बताओ SCO का प्रेसिडेंट कौन है, हाँ भेज देना, ठीक है ना। तुम मेरे को देखने दो नोट्स कैसे बना रहे हो, इतने दिन से मैंने तुम्हारे नोट्स नहीं चेक करे, सब भी फोटो भेजेंगे, और अगर गलती हुई तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, नहीं तो सबके चेक करके रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है। चलो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट इंडिया है, विच विल बी अटेंडेड अमंग अदर्स बाय सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन फेडरेशन निकोलई पत्रुशेव, ठीक है। द मीटिंग विल बी चेयर्ड बाय NSA अजीत कुमार डोवाल एंड विल बी अटेंडेड इन पर्सन बाय 7th, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या नोट करनी है, SCO की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ शंघाई कहाँ पर हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी, और G7 कहाँ पर हो रही है, जल्दी से बताओ, इन द चार सेक्शन कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है, G7 कहाँ पर हो रही है, इंडिया में हो रही है G7, इंडिया में हो रही है, कहाँ पर हो रही है, पर्टिकुलर जगह बताओ, जापान में कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है, हाय हाय गुनगुन बेटा, अगर तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें पक्का टॉफी देती, इक्लेयर्स वो भी, बहुत बढ़िया। ये किसने नागपुर लिखा है, आर्यन बेटा जोक मारने में तुम सबसे आगे हो, और तुम्हें याद रह नहीं रहा है, क्लास के बाद रिविजन कर लिया करो थोड़ी सी। गवर्नमेंट सर्कमस्पेक्ट ओवर प्लान टू इंट्रोड्यूस गिर लाइंस इन कूनो, तो कूनो के अंदर चीता आ गए, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, MP के अंदर है, ठीक है। अभी आज ही मैंने पढ़ा कि चार नए चीता पैदा हुए हैं वहां पे, बेबी चीताज, यस बेबी चीताज हो गए हैं, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क MP में आए हैं, कहाँ से, नमीबिया से आए पहले, फिर साउथ अफ्रीका से। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं गिर फॉरेस्ट मतलब गुजरात से ले आओ इधर कुछ, वो कहते हैं कि भैया इनमें आपस में लड़ाई ना हो जाए, पता चले जो हमने चीता खरीदे वो मार दिए उन्होंने, तो देख के लेकर आएंगे, ठीक है। अब NLEM क्या होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसन, लिखो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसन्स, क्या कहते हैं इसको, NLEM, ये क्या होती हैं, वो कहते हैं जो इसेंशियल बहुत बहुत जरूरी मेडिसिन होती हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू नेशनल लिस्ट ऑफ, ये 2022 के अंदर हुआ सितंबर, ठीक है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, 384 ड्रग्स थे उसमें, हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसेंशियल मेडिसिन आर दोस दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। WHO says NLEM a list that satisfy primary health care, मतलब किसी को जुकाम, मतलब कॉमन सी चीजें हो गई हैं, care needs of population, ठीक है। जैसे हमारे क्रोसिन है ना, हर कोई जाके कह देता है भैया क्रोसिन दे दो, भैया कब सिर्फ दे दो, गला खराब हो गया है, कुछ भी ऐसा सा, ठीक है। तो इसके अंदर सितंबर 2022 के अंदर कितने ड्रग्स ऐड किए गए, 384 ड्रग्स हैं अभी लिस्ट में ड्रग्स, ठीक है। इंडिया ने लिस्ट निकाली थी सितंबर 2022 के अंदर। चलो आगे चलें,
अब WHO वाले रौला पै गया, क्या पै गया, रौला पै गया, क्यों रौला पै गया देखेंगे। स्टूडेंट विद टाइप 1 डायबिटीज बी गिवन प्रॉपर केयर, NCPCR। सबसे पहले तो NCPCR क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है, जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सी डायबिटीज भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज, यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ जुवेनाइल डायबिटीज और T1D। मैंने कुछ और बोला ना, हाँ T1D बोला किसी ने, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा SAT, तो फिर अभी से याद करने की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। और बेटा अगर नेक्स्ट ईयर दोगे SAT तो अभी से न्यूज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा न्यूज़ याद कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। T1D और जुवेनाइल डायबिटीज, वो कहते हैं कि उनके लिए जुवेनाइल डायबिटीज, मतलब जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, जो अंडर द एज ऑफ 18 है यार, ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। वो कहते हैं उनके लिए स्पेशल, जैसे उनको एक स्नैक खाने दिया जाए एग्जाम के बीच में बिकॉज उनको शुगर लो ना हो जाए, तो ये सारी फैसिलिटीज, अगर उनकी शुगर पे चेक रखने के लिए मोबाइल रखा जाता है उनके पास में, वो रखा जाए, तो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए, ठीक है ना। एंड ऑस्ट्रेलिया रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिफंक्ट है, मतलब अभी चल नहीं रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, कौन सी, कोलर गोल्ड फील्ड्स। कोलर गोल्ड फील्ड्स कहाँ पे है, कोलर गोल्ड फील्ड्स, ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटका में। चलो ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं कभी, आज बता रही हूँ, याद रखना। तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो है शायद कुछ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी कौन सी, ग्रीन ग्रेविटी, में जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जिससे कि दिन रात काम चलेगा और गोल्ड निकलेगा, ठीक है ना। डिफंक्ट है अभी ये, मतलब चल नहीं रही है। चलो आगे चलें। नाउ इंडिया टू एस्टिमेट TB बर्डन यूजिंग ओन सिस्टम। इंडिया टू एस्टिमेट TB बर्डन यूजिंग ओन सिस्टम। पहले हम किस पे डिपेंड कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या कर रहे थे, हमें बुद्धू बना रहे थे, क्या कर रहे थे, बुद्धू बना रहे थे। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टिमेट अ ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन कंट्री एंड लॉन्च इट्स ओन मैथमेटिकल सिस्टम, ठीक है। हम क्या बन गए, पहली कंट्री, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टिमेट द ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन कंट्री एंड लॉन्च इट्स ओन मैथमेटिकल सिस्टम टू एस्टिमेट द डिजीज बर्डन। पहले हमें कौन बता रहा था, WHO, ठीक है ना, अर्लियर WHO बता रहा था, ठीक है, अब अर्लियर WHO बता रहा था, और ये गलत बता रहा था, पता चला है, जंगल पता चला है, WHO ने झूठ बोला है, ठीक है। अब ये देखो आर्यन भैया को, ये पढ़ाई में ध्यान दे लो तुम, बता रही हूँ, G7 वाला क्वेश्चन सिम्बायसिस नेक्स्ट ईयर वाले में भी आ सकता है। द मिनिस्ट्री एडेड दैट इंडियाज TB इंसिडेंस रेट स्टैंड्स एट 196 पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 210 एस्टिमेटेड बाय WHO। वो कहते हैं 196 पे, और WHO इतना बोल रहा है, थैंकू राम। चलो आगे चले, ठीक है, नोट करना कर लो, नहीं तो कर लेते हैं। चलो TB इंसिडेंस रेट, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 196 पर 1 लाख में, ठीक है, और WHO भैया क्या बोल रहे हैं, WHO भैया बोल रहे 210 में, ठीक है। अब WHO भैया झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये तो WHO भैया को ही पता होगा, हमको नहीं पता। द ओनर ऑफ द गार्डियन अपोलोजाइज ऑन ट्यूजडे, क्यों, क्योंकि भैया ये स्लेवरी में इन्वॉल्व थे, ठीक है, इनके ओनर का नाम क्या है, जॉन एडवर्ड टेलर, ठीक है, गार्डियन फाउंडर
न्यूज़पेपर है ये, वेबसाइट भी तो है इनकी, जॉन एडवर्ड टेलर, ठीक है, किसमें वॉज इन्वॉल्व्ड इन स्लेवरी, तो अब ये सॉरी बोल रहे हैं, हद है, सब पुट्ठे काम किए हैं, उल्टे उल्टे काम। चलो अब आगे चले, इतना टाइम रह गया, 7-1 हो गए, चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बाउंड्री डिमार्केशन विद चाइना विल हैपन सून, तो चाइना और भूटान में क्या रोल अप है गया, कुछ रोला नहीं पै गया, ये रोला ख़त्म कर रहे हैं, कैसे, इनका कहाँ का डिस्प्यूट है, वो कह रहे कि हम जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। रुद्र प्रताप स्पीड बढ़ाओ, वैसे मैं थोड़ा न्यूज़पेपर इधर वाली साइड करके बढ़ा दूंगी, ये लो, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, दिक्कत है तो बताओ। चलो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा कनिष्का को, अब मैंने इधर कर दिया, ठीक है, ये लो नोट कर लो, अभी न्यूज़पेपर ज़्यादा इधर था। रुद्र कहता है मैम मेरे पीछे पड़ गई, जब कनिष्का ने बोला तो कहती ठीक है, बहुत गलत है ना, सॉरी रुद्र, आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। चलो अब यहाँ पे इनका डॉकलम, ठीक है, कहाँ का ट्राई जंक्शन का डिस्प्यूट है, डॉकलम ट्राई जंक्शन मतलब तीन कंट्रीज यहाँ पे भिड़ती हैं, डॉकलम ट्राई जंक्शन वेयर द सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है, इससे रिलेटेड ये डिस्प्यूट है चाइना भूटान का, ठीक है, वेयर इंडियन आर्मी एंड चाइनाज आर्मी फेस्ड ऑफ इन 2017, मतलब भूटान को भी मेरे ख्याल से हम ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल से क्या हम ही रिप्रेजेंट करते हैं, भूटान के लिए भी हम ही लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो इनके पीएम का नाम क्या है भूटान का, पूरा नाम इसका यहाँ लिखा हुआ है, पीएम लोटे पोटे, ठीक है, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, पीएम ऑफ भूटान लोटे तेशरिंग, ठीक है, पानी का लोटा शेयर करना चाहिए पानी पीते हुए। चलो अब आगे चलते हैं, म्यांमार डिसॉल्व स्यू कीज एनएलडी पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है, चलो लिखो, ठीक है, म्यांमार में क्या हुआ था, कू हो गया था, कू का मतलब क्या होता है, कू का मतलब होता है फोर्सफुली ओवर थ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कू, इसके स्पेलिंग सी ओ यू पी होते हैं, बट इसको अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं कू, क्या बोलते हैं कू, और सभी लोग लाइक कर दो इस सेशन को, 18 लोगों ने लाइक किया है, कर दिया करो यार थोड़ी तो इज्जत बना लो। म्यांमार स्टैक्ड इलेक्शन कमीशन अनाउंस ऑन ट्यूजडे दैट आयंग सांग सू कीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी वुड बी डिसॉल्व, म्यांमार डिसॉल्व चलिए आगे चलते हैं, आयंग सांग सू कीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, ठीक है, हाँ भाई पौधों को पानी देना है, कल भी नहीं दिया मैंने, तो माली भैया के बोलेंगे तुमने लगवाए क्यों है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्यों, वाई इन्होंने कहा था कि मतलब 1000 से ऊपर पता नहीं रजिस्टर करना है, डिसॉल्व फॉर फेलिंग टू री रजिस्टर अंडर अ टफ न्यू मिलिट्री ड्राफ्टेड इलेक्टोरल लॉ, फेलिंग टू री रजिस्टर अंडर अ टफ न्यू मिलिट्री ड्राफ्टेड इलेक्टोरल लॉ, ठीक है ना, मतलब री रजिस्टर नहीं कर पाए, कोई नया लॉ लेकर आए थे, नहीं ये रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आए थे कि इतने अगर रजिस्टर कर पाएंगे तभी हम रिकोगनाइज करेंगे, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा, ये हमने कल लॉ नोट करा था, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर कौन है, हमजा यूसुफ,
ठीक है ना, और हमसा यूसुफ फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड के, ठीक है, द डे आफ्टर ही नैरोली वन सक्सीड्स निकोला स्टर्जन, निकोला स्टर्जन रिजाइन कर गई, ठीक है, और यहाँ पे बिकम्स द यंगेस्ट फर्स्ट मिनिस्टर सिंस डेवोल्यूशन रिफॉर्म्स क्रिएटेड द स्कॉटिश पार्लियामेंट इन 1999 एंड द फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑफ गवर्नमेंट इन वेस्टर्न यूरोप. ये फर्स्ट मुस्लिम वाला जो है ये नोट करेंगे हम, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. यहाँ पर अब ये क्या है, हम लिखेंगे हमजा यूसुफ. हमजा यूसुफ क्या बन गया, नंबर वन. सबसे पहले इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, ये बने यंगेस्ट मिनिस्टर, कहाँ गए, फर्स्ट मुस्लिम लीडर ऑफ अ गवर्नमेंट इन वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, फर्स्ट मुस्लिम लीडर, ठीक है, और वैसे यंगेस्ट लीडर बने हैं, ठीक है. कलम ने पढ़ा था माइनॉरिटी में पहली बार माइनॉरिटी से कोई और बना है. स्कॉटलैंड पार्लियामेंट कब आई, 1999 में, ठीक है. स्कॉटलैंड वैसे यूके का पार्ट है बट इसके खुद के भी कुछ लॉज ये गवर्न करते हैं, जो इन्होंने हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर में करके गए थे ब्रिटिशर्स, इनको अपनी मुंगी खानी पड़ी थी जब घर गए, वहाँ पे लोगों ने वही मांग लिया जो ये करके आए थे, ठीक है. और ये क्या है, फर्स्ट मिनिस्टर, वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड. मुझे स्कॉटलैंड का नाम सुनकर बड़ी फील आती है, स्कॉटलैंड. चलो, चाइना रैम्पिंग अप बेल आउट पैकेजेस टू पाक श्रीलंका एंड अदर बीआरआई कंट्रीज. अब बीआरआई क्या है, इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है. अब क्या हुआ, तुम्हें कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है. रोड बनाते पहले ग्रे कलर की रोड बनाएंगे, तो अब क्या हुआ, ये रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, ठीक है. चाइना लिखना नहीं है, चाइना जो है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के पास गया और कहता कि मैं डेवलपमेंट करूंगा और लिंक बनाने की कोशिश करूंगा, ट्रांसपोर्ट जो है वो लिंक क्रिएट करने की कोशिश करूंगा ताकि ट्रेड जो है वो हो सके, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट किए और वहां पर इन्होंने क्या खेल रचा, एक तो उनको डेट के अंदर दबा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया उनपे और कहा कि अब चलो मेरे पैसे दो. दूसरी चीज, वहां पे इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होने दी क्योंकि ये लोग चाइना से लोग लेकर जाते थे वहां कंस्ट्रक्शन करवाने, ठीक है, चाइना से लेबर जाती थी वहां कंस्ट्रक्शन करने, तो वहां पे इम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हुई. तो जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, बहुत सारी और भी कंट्रीज जिन्होंने चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन करे वहां पर सेम सिचुएशन हो गई, ठीक है ना. आई डोंट ड्रिंक बेटा आदित्य चोपड़ा, आई डोंट टेक दोस फ्यूल्स, आई एम नॉट दैट पर्सन. चले श्रीलंका पाकिस्तान, ठीक है. अब यहाँ पर तो उन्होंने बेल आउट पैकेज क्या होता है, बेल आउट के अंदर जैसे हमने IMF ने श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दिया कि अच्छा ठीक है तुम नहीं पे कर पा रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि अगर अभी तुम्हें, तुम मुझे हर महीने 1000 दे रहे थे, अब तुम मुझे 500 देने लग जाओ, कम पैसे दे दो ताकि तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो सस्टेन कर पाए, ठीक है. अब चाइना ने क्या किया यहाँ पर, ये हम सारा नहीं नोट करेंगे, ठीक है, ये नहीं नोट करना है. अब हम यहाँ से नोट्स बनाएंगे, ठीक है. चाइना हैज हैंडेड आउट $240 billion वर्थ ऑफ बेल आउट लोन्स टू 22 डेवलपिंग कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ओवर द पास्ट 2 decades, 20 years, 1 decade इज इक्वल टू 10 years, ठीक है. नाउ ऑलमोस्ट ऑल द फंड्स वेंट टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कंट्रीज सच एज श्रीलंका, पाकिस्तान, टर्की, मोस्टली लो एंड मिडिल इनकम नेशंस दैट हैव रिसीव्ड चाइनीज लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. द 40-page रिपोर्ट बाय द US-based रिसर्च लैब एड डाटा, द वर्ल्ड बैंक, द हार्वर्ड कैनेडी स्कूल एंड द केल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी शोड बेल आउट लोन्स हैड एक्सेलरेटेड बिटवीन 2016 एंड 2021 विद बीजिंग डॉइलिंग आउट 80% ऑफ इट्स रेस्क्यू लेंडिंग इन दैट पीरियड, ठीक है ना. यहाँ पे चाइना गेव $240 billion बेल आउट लोन्स टू 22 डेवलपिंग कंट्रीज. धोखेबाज है चाइना सच में, ठीक है. चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर. अब ये क्या है, बेल्ट एंड किसमें, ऑल फंड्स वेंट टू, ठीक है, फंड्स वेंट टू बेल्ट एंड
एंड रोड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव कंट्रीज। ठीक है, अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, ठीक है, इंफ्रा स्ट्रक्चर ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, कंट्रीज लाइक श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, टर्की, तभी तो टर्की, टर्की भी तभी पाकिस्तान जैसी हरकत नहीं करता है। चलो, मोस्टली लो एंड मिडिल इनकम नेशंस दैट हैव रिसीव्ड चाइनीज लोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिसर्च किसने करी है, रिसर्च बाय, रिसर्च और रिपोर्ट बाय, ठीक है, एड डाटा, वर्ल्ड बैंक, हार्वर्ड, ठीक है, कील, ये सारे उन्हें करी है, ठीक है। चाइना से इज मोर देन 150 कंट्रीज हैव साइंड अप टू BRI, अ ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ये क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 150 कंट्रीज ने ये किया है, तो ये ऐसे ही करता है, ठीक है, डेट में छोड़ देता है कंट्रीज को। फाइनेंस गैप, ट्रेड फाइनेंस गैप क्या है, कि ट्रेड करना चाहते हैं, फिर ये हमने पढ़ा नहीं MSP वाला, तो बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ पे रह गया, ये बाउंड्री वाला हो गया, ठीक है, क्या हो रहेगा, ओके ठीक है। चलिए, द फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेजिडेंसी स्टार्टेड इन मुंबई ऑन ट्यूजडे विद कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल इम्फेसाइजिंग द नीड फॉर ट्रेड फाइनेंस कोऑपरेशन। अब ट्रेड फाइनेंस कोऑपरेशन क्या होती है, ट्रेड फाइनेंस रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय कंपनीज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, वो चीज़ें जो इंटरनेशनल ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठी हूँ, मतलब मुझे पता है मैं कहाँ बैठी हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं कहाँ बैठी हूँ, और मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ कहाँ से हो, राइट। बट तुम अगर मुझे पैसे भेजना चाहो तो पैसे भेज सकते हो, इसका मतलब कोई हमें फैसिलिटेट कर रहा है ना, पेमेंट गेटवे है, ठीक है, वेबसाइट बना सकते हैं हम, तो ये फैसिलिटीज है हमें कि हम कनेक्ट कर सकें। यूट्यूब सबसे बड़ी फैसिलिटी है, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, मतलब अगर इंडिया में से कोई USA के साथ, क्या किया है, इंडिया में से कोई USA के साथ या किसी के भी साथ XYZ कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है, तो उसके बीच में जो चीज़ें चाहिए, मे बी कोई पेमेंट है, मे बी कोई कॉन्टैक्ट है, कुछ भी करना है उसको इजी बना सके, उसको फैसिलिटेट करने को कहते हैं ट्रेड फाइनेंस कोऑपरेशन, ठीक है ना। वो कहते हैं ये सुधारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं WTO की। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ MSP इज प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स टू सपोर्ट देम अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म पॉलिसीज, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब ये जो है, जिसकी वजह से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी करी थी कि कहीं तुम ये रिमूव मत कर देना, अब ये जो है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट तक अलाउ करती है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब आप अपने अपने फार्मर्स को सपोर्ट करें कि अच्छा तुम ये उगाओ हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, वो कहते हैं कि ये जो ट्रेड है वर्ल्ड ओवर की ट्रेड है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं जो सब्सिडी है, सब्सिडी मतलब कोई पैसे, मे बी सब्सिडी उसको भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फार्मर्स के लिए, ठीक है, वो भी वो कहते हैं कि गलत है क्योंकि वो वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेन्स की ट्रेड है उसको इफेक्ट करता है, बिकॉज दूसरी कंट्री का जो यू नो ग्रेन होगा मे बी वो महंगा होगा, बेसिकली वो इफेक्ट होता है। तो उन्होंने कहा ये गलत है, इंडियाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉल्स अंडर द अम्बेयर बॉक्स सब्सिडीज कैटेगरी, इंडियाज एक्सीडेड इट्स लिमिट फॉर अम्बेयर बॉक्स सब्सिडीज। तो ऐसा है कि हम फार्मर्स की एक लिमिट से ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, तो दूसरी कंट्रीज जो हैं जैसे कि थाईलैंड, ठीक है ना, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, EU, थाईलैंड सेड इट एट अ WTO एग्रीकल्चर कमिटी मीटिंग ऑन मंडे दैट इंडिया मस्ट रिप्लाई टू क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जब भी इंडिया कोई प्रोग्राम की नोटिफिकेशन देता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं देता है और ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, कंट्रीज आर सेइंग दैट इंडिया हैज ब्रीच्ड
prescribed limit of providing help subsidiaries to the farmers. ठीक है ना, of providing subsidiaries to the farmers. ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये ट्रेड इफेक्ट करता है. ठीक है, इफेक्ट्स डिसॉर्टिंग, क्या करता है, प्रॉब्लम क्या है, डिस्टॉर्टिंग ग्लोबल ट्रेड. ठीक है, ये कहाँ पर हो रहा है, WTO ने बोला है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बोला है. इसके अंदर हम केस हारे भी, शुगर के ऊपर भी हम केस हारे हुए हैं, बट इनके मेंबर्स नहीं बन रहे अपीलेट बॉडी के, तो हम बचे हुए हैं. ठीक है ना, अब इसके अंदर इंडिया स्टक टू इट्स अटैक. अब यहाँ पे हमने क्या, कौन सी ट्रॉफी उठा ली है, ट्राई नेशन इंटरनेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन. ठीक है, कौन जीता, इंडिया बीट किर्गिस्तान. ठीक है जी, एंड गाइज यू कैन विजिट आर वेबसाइट www.loggery.in इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग आर MHCT 5 और MHCT 3 और लॉ एंट्रेंस मॉक टेस्ट. एंड यू कैन ऑल्सो बाई दीज नोट्स, आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं जस्ट फॉर ₹100 पर मंथ. ये हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप ये नोट्स बाय कर लेंगे. हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए, इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को करने के लिए, वो निकल जाएंगे, जिससे हमारी बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी. एंड मे बी इतने में हमारे व्यूअर्स इतने बढ़ जाएँ कि यूट्यूब हमें बहुत बहुत पे करने लग जाए. वो दिन भी जल्द आएगा, तब तक आप हमारी हेल्प कर सकते हैं. आप हमारे करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट खरीद सकते हैं, जनवरी के अवेलेबल हो गए फॉर ₹200 पर मंथ. ये भी www.loggery.in पर अवेलेबल है. उसके बाद MHCT 5 के मॉक्स जो हैं वो ₹2000 में आपको 10 मॉक्स अवेलेबल करवा गए हैं. ये मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं, इसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ऐसा कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है. करंट अफेयर्स इज द टॉप नॉच थिंग दैट वन कैन गिव यू. ठीक है, और अपडेटेड करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं है कि पुरानी करंट अफेयर्स डाल दी हो. It is something which is very important that has been added. I am particularly working on current affairs for you guys. कि आपको questions वो आएँ जो most expected हैं. 3-year law entrance के mock test MHCT के available हैं. इसमें आप loggery 500 code लगा सकते हैं. अभी ये 2500 के अवेलेबल हैं. अगर आप कोड लगा देंगे तो ₹2000 के अंदर वही आपको 10 मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे. राइट, एंड डू सपोर्ट अस. यू कैन सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय कमेंटिंग डाउन बिलो. मेक श्योर यू गिव गुड कमेंट्स एंड मेक श्योर इफ एनीवन इज कमेंटिंग विच इज़ नॉट ग्रेट, यू रिप्लाई टू दैट ऑन आवर बिहाफ, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन शो अस सपोर्ट. और आप हमारे बारे में अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को बताएं हमारे, अगर आपको अच्छा लग रहा है करंट अफेयर्स. राइट, एंड yeah, that's how you can support us. You can comment down below. You can tell me how you feel about us. I read your comments and they motivate me every day. Thank you so much. Bye bye. Take care. Kal milenge 6 baje. Take care. Bye.